हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला पार्सल, जो कि ऑर्डर डेट है मेरा 17 अप्रैल 2023 को, और मुझे मिला है आज 20 अप्रैल 2023 को, क्योंकि जो इसमें देखिए 19/4 का यानी कि 19 अप्रैल को मुझे मिलने वाला था, तो कुछ कारणवश मेरा जो कि डिलीवरी शेड्यूल हो गया एक दिन बाद, तो आज मैंने इसे रिसीव कर लिया है। और फ्रेंड्स इसमें है मोटो G13। हालांकि मैं मोटोरोला का काफ़ी फ़ोन अनबॉक्स कर चुका हूं, जैसा कि मैं खुद जो चला रहा हूं अभी जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है मोटो G5G, और इसमें है G13 जो कि 4/128 वर्जन का है। और ये ऊपर से खोला हुआ है क्यों, क्योंकि जो है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी के तहत फ़ोन आते हैं, तो डिलीवरी एजेंट के सामने फ़ोन खोला जाता है। तो यहाँ पर हमने फ़ोन खुलवाया था, सिर्फ हमने फ़ोन खोला था, अभी चेक नहीं किया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा है कमलेश कुमार के नाम से जो है कि ऑर्डर, एंड यहाँ पर बिलिंग एड्रेस है, एंड यहाँ पर देखेंगे 5078 रुपये मुझे इसका देना पड़ा है, अलग से मुझे 100 रुपये शिपिंग चार्ज देना पड़ा है। और यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर आईडी सब कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको रखते हैं। एंड यहाँ पर आपको फ़ोन हमारा खुल गया है, यहाँ पर मोटो G13। डब्बे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, इसे हमारा 5G है, तो इसमें 5G लिखा है, यहाँ पर 5G लिखा है, और मोटो G13 कुछ इस तरह से, और दोनों तरफ सेम चीज़ लिखी गई है। आप देखेंगे कुछ इस तरह से, यह इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, डॉल्बी एटम साउंड इसमें कुछ इस तरह से, एंड इस साइड देखेंगे तो सेम चीज़, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो हमारा ये जो फ़ोन आया हुआ है आप देख सकते हैं XT 2331-2, स्क्रीन साइज 16.5 सेंटीमीटर यानी 6.5 इंच है। और यहाँ पर नेट क्वांटिटी 1 नंबर, इसमें मोबाइल फ़ोन 1 पीस, चार्जर 1 पीस, यूएसबी टाइप सी 1 पीस, सिम इजेक्टर टूल 1 पीस, प्रोटेक्टिव केस 1 पीस, क्यू स्टार गाइड 1 पीस। और यहाँ पर MRP 13,999 रुपये लिखा गया है, सारा कुछ इसमें लिखा गया है, सारा स्पेसिफिकेशन। और इस साइड देखेंगे इसमें MI नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, 4/128 मोटोरोला यानी पर, और कलर लेवेंडर ब्लू। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो हमारा डिलीवरी ओपन बॉक्स डिलीवरी की तरह सारी सील खुली हुई, सिंपली हमें इस फ़ोन को खोलना है, तो हम यहाँ खोलते हैं। इसमें अभी कुछ नहीं है, एंड यहाँ पर हमारा फ़ोन है जो कि बैक कवर लगा हुआ है, इसमें डाला गया है। तो सबसे पहले बैक कवर को हम निकाल लेते हैं साइड में, तो कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मल सा बैक कवर है, पीछे का लेवेंडर ब्लू कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लाइट में चमक रहा है। एंड यहाँ पर सामने की तरफ एक पॉलीथीन है, जिसको हटाएंगे तो हमारा डिस्प्ले खुल जाएगा। तो इसको खोल लेते हैं सर, एंड और इसमें देखेंगे 3.5 mm का ऑडियो जगह ऊपर है, डॉल्बी एटम्स इसमें ऑडियो है, काफ़ी अच्छी आवाज़ देता है। एंड यहाँ नीचे माइक्रोफोन, USB टाइप सी चार्जिंग पिन, एंड यहाँ पर ऑडियो सेक्शन, एंड इस साइड आपको मिल रहा है पावर बटन जिसमें कि फिंगरप्रिंट ऐड है, साइड फिंगर, एंड यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन, एंड इस साइड मिल रहा है सिम इजेक्टिंग पिन। इसमें आपको हर फोन में जैसे मोटोरोला में दिया जाता है गूगल असिस्टेंट का एक अलग बटन, चाहे इधर हो चाहे ऊपर, इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि होम बटन से हमारा गूगल असिस्टेंट खुलेगा, या फिर न्यू वर्जन जो आया होगा अक्सर फ़ोन में आ रहा है, पावर बटन से गूगल असिस्टेंट खुलता है। एंड कैमरा का क्वालिटी कुछ दिखाएंगे आपको, इसमें देख सकते हैं कि इस पर लिखा गया है 4x लो लाइट सेंसिटिविटी, 50 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल कैमरा,
लॉन्ग लास्टिंग 5000 mAh की बैटरी एंड इम्प्रेसिव स्टीरियो साउंड, यानी कि आपको लगेगा कि दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है। अंदर खोलते हैं तो कुछ इस तरह से निकल गया बाहर। इसमें एक मोटर क्विक गाइड एंड एक इधर मैनुअल, ये मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल एंड आपको मिलेगा एक चार्जर जो कि 10 वाट का है। तो 10 वाट इसमें काफ़ी नहीं है, कंपनी कम से कम 20 वाट देना चाहिए था। और सिम पिन, चलिए इनको हम साइड में रखते हैं एंड सारे का सारा हम करते हैं और देखते हैं कि इसमें दो सिम के साथ मेमोरी कार्ड लगेगा या कि एक सिम एक मेमोरी कार्ड एक साथ लग सकती है। तो यहाँ पर हमारा है काफ़ी अच्छा, यहाँ पर एक सिम दो सिम और तीसरा मेमोरी कार्ड लग सकता है। तो डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको सेटअप करते हैं एंड यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्किप कर लेते हैं एंड यहाँ से सेटअप अपलाइन, क्योंकि नया फ़ोन है हम इसे विदाउट वाईफाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, गूगल सर्विस को मोर पर क्लिक करके एक्सेप्ट करते हैं एंड यहाँ पर अभी लॉक नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं और स्किप करते हैं। यहाँ पर भी कर देते हैं नो थैंक्स नोटिफिकेशन को एंड यहाँ पर हमारा नॉट नाउ करेंगे। यहाँ पर इसको करेंगे अभी नॉट नाउ, अभी साइन अप नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी डिटेल नहीं देना चाहते हैं, एंड यहाँ पर कर देते हैं नेक्स्ट। जस्ट सेकंड थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड यहाँ पर डन। यहाँ पर कुछ जियो करके आ रहा था तो देखना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ जियो काम करेगी क्या कोई और। चलिए हमारा फ़ोन खुल गया है, सिंपली यहाँ पर गैलरी खोलते हैं, गैलरी में कुछ नहीं रहेगा एंड यहाँ पर देखेंगे नो फोटो है। हम कैमरा टेस्ट कर ले रहे हैं तो सबसे पहले कैमरा टेस्ट करते हैं बैक क्वालिटी कैमरे से, 50 मेगापिक्सल की क्वालिटी। टेक ए टूर को नॉट नाउ करते हैं, चलिए हम सेटअप का खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सेल्फी ले ली है, आप देखते हैं ये पोर्ट्रेट मोड का जो अपने सेल्फी लिया था सबसे पहले एक ऐसा है, हमने बंद कर दिया अपना। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है, इसमें पीछे का हल्का ब्लर दिख रहा है, आपको नॉर्मल फ़ोटो से समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मल फ़ोटो ये है एंड ये है हमारा पोर्ट्रेट मोड एंड ये है कुछ नॉर्मल सेल्फी जो मैंने खुद खींचने की कोशिश की है। ये है बैक कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह की एंड ये हमारा सेटअप भी है स्टूडियो का, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की बैक और भी क्वालिटी है एंड यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर रस्सियों का देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। एंड हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह फ़ोन की सारी डिटेल्स के बारे में, तो आप देखिए सारे नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके के हैं। इतना आपको 8 नोटिफिकेशन है और बढ़ाना चाहते हैं तो या इस पर क्लिक करेंगे और इधर हॉट स्पॉट सामने नहीं हॉट स्पॉट रख देंगे, डार्क मोड चाहिए डार्क मोड ले लेंगे, सारे विडजेट यहाँ पर रखे गए हैं, सिर्फ आपको बढ़ाना है। जैसे नाइट मोड चाहिए नाइट मोड ले लेंगे, लोकेशन चाहिए लोकेशन ले लेते हैं, यहाँ पर कलर इनवर्ट ले लेते हैं। तो हमारा इसको बैक करेंगे, अब स्लाइड करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐड हो चुके हैं। चलिए सेटिंग खोलते हैं, सेटिंग से आपको दिखाते हैं। स्मार्ट अपडेट को छोड़ते हैं एंड यहाँ पर चले जाएंगे सिस्टम, तो देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन, यहाँ पर रिसेट ऑप्शन है, आप रिसेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बैक करेंगे अबाउट फ़ोन, यहाँ पर देखिए ऑनर मोटो G13 फ़ोन अननोन नंबर,
यहाँ पर सिम नहीं डाला गया है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर चैनल, यहाँ पे माई नंबर, एंड्रॉयड वर्जन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लीगल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 128 GB फ़ोन है तो हमारा इंटरनल स्टोरेज 128 GB है या नहीं। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 110 GB भरा हुआ है, खाली है, बाकी सब भरा हुआ है। 128 GB में 13 GB आपको जो है कि मेमोरी कार्ड से ऑटोमेटिक रिजर्व रहती है, तो आपका हो जाएगा 115 GB, और 4 GB रैम है तो उतना कट के आपको 110 GB मिलेगा। तो चलिए सारे फंक्शन देख सकते हैं जो कि इसमें दिया गया, वाई टी म्यूजिक, यूट्यूब, सेटिंग, प्ले स्टोर, फोटो, फोन, माई जियो इसमें स्पेस अलग से दिया गया, मीट, मैप, गूगल टीवी, गूगल जीमेल, एफएम रेडियो, एंड डिवाइस हेल्प, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये फ़ोन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।